बहुत पहले ही अचीव कर चुका है। बहुत पहले मोबाइल में आग की खबरें आती थी और उस समय ऐसा कहा जाता था कि चार्ज पर लगा हुआ छोड़ देने से आग लग गई। सो उस बाद में जब मोबाइल आने शुरू हुए तो उसमें अब बाय डिफॉल्ट ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो लगे होने के बावजूद उसको चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, मोबाइल पर उम्मीद नहीं होती। सो इस तरह की जो तकनीकें हैं वो ऑलरेडी हैं और ये ठीकरा इनके ऊपर फोड़ना कि लगा हुआ छोड़ दिया किसी ने या धूप में खड़ा कर दिया या ज्यादा तेज से चला दिया, ये सारी चीजें तब होती हैं जब जो मौजूदा तकनीक है उसका इस्तेमाल निर्माता नहीं करते हैं। और सारी मौजूदा तकनीकों का इस्तेमाल करने के बाद जल्दी से हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिए, आप ब्रांड का नाम मत लीजिए लेकिन कोई तो स्पेसिफिकेशन होगा, कोई तो ऐसा फीचर होगा जिसको ध्यान रख के अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे तो शायद ऐसी घटनाओं से बच सके। कोई भी ब्रांड जिसको आप लेने जा रहे हैं उसमें जो फीचर्स भारत सरकार द्वारा दिए गए हैं उनमें एक फीचर कॉमन है कि इसमें जो फ्यूज हैं या जो उसके मटेरियल्स हैं सारे वो सब मार्क हैं और वो सब डिटेल में सर्टिफाइड, ये BIS की ISI का मार्क है। इसके अलावा और भी सर्टिफिकेशन प्रोसेस हैं जिनके बिना भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचना रेगुलेटरी लेवल पे और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे सही नहीं है, ये कानूनन अपराध भी बन जाएगा कुछ दिन में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं। हमारे लिए ये जरूरी है जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या सफिशिएंट हैं, क्योंकि आग की घटनाएं उसके बाद भी हो रही है। मतलब आपके हिसाब से पूरा रिसर्च कर लीजिए भाई साहब, एक दिन एक आपको ज्यादा लगे पढ़ लीजिए, देख लीजिए वीडियो देख लीजिए इधर उधर इंटरनेट पर और रिसर्च करके जाइए कि भाई आप जो ले रहे हैं वो आपके लिए कहीं स्वर्ग लोक का रास्ता किसकी सवारी में बन जाए, इसलिए वो भी सब देख देख के तब आप उस व्हीकल को उस गाड़ी को खरीदिए। लेकिन देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर है, आपको बताते हैं कि कैसे दिल्ली में मोबाइल फोन की बैटरी में ब्लास्ट हुआ है और इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। रात को सोते वक्त ये धमाका हुआ, सिर के पास मोबाइल रख कर सो रही थी महिला। अब देखिए ये वो मोबाइल है जिसमें ब्लास्ट हुआ और जिसके बाद अपने बताएगा वो मोबाइल को रखकर सो रही थी। और मुझे नहीं पता हमारे कितने सारे व्यूअर्स ऐसा ही अपने सर के पास मोबाइल, सावधानी बरतें, पहले कुछ आपको जानकारी देते हैं और फिर सीधे अपने एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं क्योंकि उनसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता कि आपको मोबाइल इस्तेमाल करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। और कितने दिनों से हम सब बता करिए चार्जर खो गया है तो क्या करें, ये भी अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। सीधी धूप में फोन चार्ज ना करें, यानी सीधी धूप से में एकदम फोन बहुत ज्यादा तेज धूप में रखेंगे और चार्ज करेंगे तो वो गर्म हो सकता है, उसमें ब्लास्ट हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है। मोबाइल को रात भर चार्ज पर लगा कर ना रखें, देखिए वही वाली बात हो गई, हम सब दिन भर नीचे फोन रख कर ना सोएं, अपने आसपास कम से कम थोड़ी दूरी बनाकर रखें जब सोएं, कार चार्जिंग एडॉप्टर से फोन चार्ज ना करें, पावर स्ट्रिप एक्सटेंशन पर चार्ज करने से बचें ये भी कहा जाता है, गर्म हो तो फोन इस्तेमाल ना करें, लोकल पावर बैंक से फोन चार्ज ना करें, पावर बैंक का चलन बहुत बढ़ा है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, कंपनी के सर्विस सेंटर पर ही फोन रिपेयर कराएं। मैं प्रखर आपके पास आऊंगा, प्रखर